वैष्णो देवी भी जाएंगे। बहुत बड़ी गिल हो रही है, इतनी मेहनत की उसमें से 8 मिनट का कंटेंट निकला। फाइनली हमारा आई मॉडिफिकेशन का सामान आ चुका है, हम जाने वाले हैं भाई बहन केदारनाथ। सनसेट क्या प्यारा हो रहा है भाई, आई मॉडिफिकेशन हो जाएगी फाइनली केदारनाथ जाने से पहले। सो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे आप सब, आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम मजे में। और भाई इस टाइम पे कर आई धूप हो रही है, आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है भाई दिन में। और बाकी फाइनली हमारा सामान आ चुका है बाइक से रिलेटेड, तो अभी दिखाता हूँ मैं क्या मंगाया मैंने, मेरे को भी नहीं पता क्या है। मैंने 3-4 चीजें ऑर्डर कर रखी थी, अब उसमें से क्या है मेरे को खुद नहीं पता, तो भाई नीचे खड़ा है तो देखते हैं क्या है वो। और भाई ये दो सामान आ चुके हैं अपनी बाइक से रिलेटेड, अब मेरे को खुद नहीं पता ये क्या है। बट एक तो मेरे को पता है, ये ऊपर का जो है ना, ये भाई स्क्रीन गार्ड जो उसमें लगेगा, मैंने आप लोगों को बताया था, तो वो लगने वाला है आज। अब मेरे को खुद से ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो कौन लगा के देगा, ये तो खुद से लगा सकता है इंसान। शाम के टाइम पे लगाऊंगा, अभी बहुत गर्मी हो रही है भाई। और जस्ट मैं अभी व्लॉग अपलोड कर रहा था और मेरे पे कॉल आई कि भाई आपका सामान आ चुका है नीचे, तो मैंने कहा व्लॉग भी स्टार्ट कर लिया जाए। तो ये तो स्क्रीन गार्ड है, और ये नीचे वाला पता नहीं क्या है, ये मेरे को देखना पड़ेगा अभी। आई थिंक आई मॉडिफिकेशन से रिलेटेड हो, तो भाई खुशखबरी आप लोगों के लिए, आई मॉडिफिकेशन हो जाएगी फाइनली केदारनाथ जाने से पहले। तो अभी देखते हैं जैसा भी सीन रहता है, आप लोगों को बताता हूँ मैं, पहले देख लेता हूँ खुद से कि क्या है। तो व्हाट इज अप भाई, फाइनली हमारा आई मॉडिफिकेशन का सामान आ चुका है, ये रहा वो सामान। और भाई मॉडिफिकेशन होने वाली है अपनी फायरफ्लाई में, और भाई पहले 1K कराओ तब जाके भाई मैं आई मॉडिफिकेशन कराऊंगा। और आपकी डिमांड में मैंने सामान तो मंगा लिया है, और मेरे को जितना भी पड़ा जो भी इसकी प्राइसिंग वगैरह है वो मैं तभी बताऊंगा जब आई मॉडिफिकेशन होगी। तो भाई फटाफट 1K कराओ, तभी मैं आई मॉडिफिकेशन कराऊंगा। 16 पैटर्न वाला हैजार्ड है, भाई जो फायरफ्लाई है उसकी आई मॉडिफिकेशन होगी ना, वो कभी ऐसा करेगी कभी ऐसा करेगी, भाई इतनी प्यारी लगी ना, मैं क्या बोलूं आपको। तो फटाफट बन के कराओ, फिर करवाते हैं मॉडिफिकेशन अपनी बाइक में। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि 4-5 चीजें मंगा रखी है मैंने अपनी ब्लॉगिंग से रिलेटेड, और भाई एक मैंने मंगाया था माइक, ये नया का नया डिब्बा रखा है भाई, ये तो मेरे को रिटर्न करना है। इसमें से जो माइक है वो यूज कर रहा हूँ मैं अभी, जिसकी आपको क्वालिटी देखने को मिली होगी कल वाले ब्लॉग में। और भाई ये दूसरा, ये मैंने मंगाया स्क्रीन गार्ड जो आज ही आया है, और हैजार्ड जो आज ही आया है, अभी एक और दो चीज है वो आने वाली है। तो भाई बहुत खर्चा चल रहा है, तो इसी बात पे लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो। और बाकी एक बार स्क्रीन गार्ड दिखा देता हूँ मैं आपको, और जो ये स्क्रीन गार्ड है ये मेरे को पड़ा 187 रुपीज का फ्लिपकार्ट पे, तो भाई जाके चेकआउट वगैरह कर लेना। आपको स्क्रीन गार्ड लेना है एमटी का, मैंने इस वजह से लिया क्योंकि उसमें ना स्क्रैच लगने स्टार्ट हो गए हैं, और मैं भी अपनी फायरफ्लाई में ट्रांसपेरेंट शीट इस वजह से करा रहा हूँ, क्योंकि जो मैं उस पर रैप करवाऊंगा ना मेरा परमानेंट रहेगा इस वजह से, तो भी मैं नहीं करा रहा हूँ अभी, इतने स्क्रैच भी नहीं पड़े हैं, बट पड़ जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बट अभी मनी प्रॉब्लम चल रही है यार, तो मनी जैसी आएगी फिर उसके बाद मैं उस पर ट्रांसपेरेंट शीट भी करवा दूंगा। मेरे पे एक भाई की कमेंट भी आई थी, को भी अगर स्क्रैच से बचाना हो ना अपनी बाइक को, तो भाई ट्रांसपेरेंट शीट रैप करवा लो पूरी की पूरी अपनी बाइक में, तो भाई स्क्रैच से बच जाओगे। बाकी मैं भी दिखाता हूँ स्क्रीन गार्ड आपको, एक बार इसको अनबॉक्स कर लूं मैं। अनबॉक्स मैं ज्यादा करता नहीं हूँ यार, क्योंकि अपना अनबॉक्स का चैनल नहीं है हमारा, है भाई मेन ब्लॉगिंग। तो भाई जो जो चीजें होती है मेरी लाइफ में वो दिखाता हूँ मैं आपको, तो होप सो आप लोगों को अच्छा लगता होगा ब्लॉग। तो भी दिखाता हूँ मैं आपको स्क्रीन गार्ड कैसा है अपनी एमटी का। और बाकी यार अनबॉक्स कर लिया मैंने, और भाई जो स्क्रीन गार्ड अपना निकल गया है वो ये, ये देखो भाई ये स्क्रीन गार्ड अपनी एमटी का, तो अभी लगाएंगे भाई इसको शाम में, अभी गर्मी हो रही है यार बहुत ज्यादा। बाहर देखो एक बार चेकआउट करो, इस वजह से हमने ऑस्कर को भी अंदर रख दिया है, तो इस वजह से क्योंकि ज्यादातर भारी रहता है। बट अभी भाई आजकल गर्मी है, तो हमारा जो ये हॉल है यहाँ पे ठंडा ठंडा एरिया रहता है पूरा का पूरा, तो भाई इसको भी गर्मी नहीं लगे। एक तो मिलियन है ना, इनको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। और मैं अभी जो पेंडिंग ब्लॉग्स है वो सारे के सारे इस वजह से एडिट कर रहा हूँ, क्योंकि भाई हम केदारनाथ की ट्रिप हमारी हो चाहिए कन्फर्म, बस डेट कन्फर्म करनी है आप लोगों को, पता है वहाँ पे नेटवर्क चले ना चले, तो इस वजह से मैं पहले ही अपलोड कर दूंगा ब्लॉग्स वगैरह। बहुत चीजें भाई होती है बाहर जाके, तो मैं वो नहीं चाहता कि अपनी कंसिस्टेंसी टूटे, आपको मतलब चाहे मैं केदारनाथ हूं मैं कहीं भी हूं, मगर आपको डेली व्लॉग देखने को ही देखने को मिलेंगे। तो भाई इतनी मेहनत चल रही है, तो थोड़ी सी आप भी कर दो लाइक सब्सक्राइब शेयर करके। बाकी यार अभी दो चीजें होने आने वाली है अपनी बाइक से रिलेटेड, एक तो भाई माइक है जो आने वाला है, माइक का इशू सॉल्व होने वाला है, क्योंकि भाई केदारनाथ के लिए निकलेंगे तो वहां पे माइक इशू ना हो और आप लोगों को इरिटेशन ना हो, तो मोटर व्लॉग में आपको मजा आने वाला है। भाई इतनी दूर जा रहे हैं, इतनी प्यारी जगह जा रहे हैं भाई, कितने लोगों का ड्रीम प्लेस है, मेरा भी भाई ड्रीम प्लेस है, तो आने वाले व्लॉग्स में मजा आने वाला है भाई। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बट अभी डेट डिसाइड नहीं, जैसे ही होगी ना मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों को डेट बताने के लिए कि भाई किस दिन निकलने वाले हैं। सुबह की यार हो चुकी है शाम, और भाई अब हो चुका है टाइम स्क्रीन गार्ड को लगाने का, जिम का भी टाइम हो चुका है, तो अभी डाइट खा ली मैंने, तो जिम निकलेंगे अभी, पहले स्क्रीन गार्ड लगा लेते हैं। और ये रहा हमारा स्क्रीन गार्ड, मैंने आप लोगों को दिखाई दिया था, और इससे एक चीज जरूर होगी, हमने जय श्री राम लिखवा रखा है, तो वो ना कोई फाड़ नहीं सकता भाई उसे, क्योंकि यहाँ पे जो मंत्र था ना उसके उंगली कर करके भाई वो निकाल दिया था, और ये वाला निकाल के दिखाओ जय श्री राम कमेंट में जरूर लिख देना, पहले से साफ कर लेते हैं, गंदा गंदा हो रहा है, धूल धूल हो रही भाई पूरी लगेगा कैसे, मैं तो ये सोच रहा हूँ लगी नहीं रहा है, ध्यान से लगा रहा हूँ। सो फाइनली लग चुका है भाई, बड़ी ध्यान से लगाया तब जाके लगा, ये देखो चेक करो एक बार, बट थोड़ा थोड़ा बूंदी बूंदी आ गई है। बाकी मौसम चेक करो, भी दिखाया था मैंने आपको, देखो भाई चेंज पे चेंज पता जा रहा है मौसम। और अभी मैंने आप लोगों को बोल रहा था कि मैं शाम को मिलता हूँ आपको, वो इस वजह से क्योंकि मैं जो पेंडिंग ब्लॉग्स है वो एडिट कर रहा था भाई, कसम से एक ब्लॉग ना 40 मिनट का था, जो उसमें से मेन मेन पार्ट निकले पता है कितने मिनट का बना वो,
ओनली 8 मिनट का, देख रहे हो भयंकर इतनी मेहनत की और उसमें से 8 मिनट का कंटेंट निकला जो मेन था। तो भाई इसी बात पे लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, इतनी मेहनत लगती है ना भाई मैं क्या ही बोलूं। और बाकी ये खड़ी अपनी फायरफ्लाई और यहाँ पर आ चुकी है हमारी नेहा दीदी। हम जाने वाले हैं भाई बहन केदारनाथ, भाई मजा आने वाला है। आप पहले तो गए नहीं है ना? नहीं। मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस आप लोग का भी। और भाई मैं तो दूसरा ये है कि भाई बाइक भी मैं पहली बार लेके जा रहा हूं। और हमारा वहां का भी तो बन रहा प्लान, हमारा बन रहा कहाँ का बन रहा है? वैष्णो देवी भी जाएंगे। तीन बार जा रखी हूं मैं तो। वहाँ तो मैं तो एक बार जा रखा है ना, बचपन में तो गया था, छोटे में गया था, तो वहाँ भी जाएंगे भाई हम। और केदारनाथ भी निकलेंगे 15 के बाद शायद, है ना? अभी डेट डिसाइड नहीं हुई, बताई दीदी, दीदी के ऊपर डिपेंड करता है, दीदी बताएगी डेट और फिर उसके हिसाब से बनेगा हमारा प्लान। तो देखना आने वाले ब्लॉग्स में ना मजा आएगा, वहाँ पे रील बनी है एकदम, दीदी भी डांस करेगी रील रील बना के। मरो नेटवर्क नहीं चलते, ये इशू है। हाँ हाँ ये तो है, उनके हाल चाल पूछ के आएंगे बाबा जी के, बाबा जी ठीक हो आप, ठंड लग रही है नहीं लग रही है? भाई उत्तराखंड में हम रह के जाने आते और लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आते, दूर दूर से आते हैं। पैसे मिल गए मेरे, ये धुल गए, ये धुल गए। और बाकी आने वाले व्लॉग्स में आने वाला है मजा, क्योंकि भाई फाइनली हम निकलेंगे केदारनाथ के लिए और बड़े भी जा रहे हैं ना साथ में, तो ये सबसे बढ़िया हो गया मेरे लिए। टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी सामान वामान की ना। बाकी यार कल रात भी आए थे हम यहाँ पे और भाई ने बोला था चैन का इशू है, तो अभी चेक कराएंगे भाई। मेरे को नहीं लगता है चैन का इशू है, चैन का इशू होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जब शोरूम ले गया था तो उन्होंने चैन ग्रीस करी थी, तो इस वजह से बहुत बड़ी गीले हो रही है। यही तो आवाज कर रही है, वो टायर में लग रही है। अच्छा वैसी वाली गीले है तो तार में लगती है जो। भाई अपनी फायरफ्लाई में पहला पंचर वो तो देख लिया भाई ने, वरना केदारनाथ के लिए निकल रहे थे वहाँ पे हो जाता फिर दिक्कत हो जाती पहाड़ों में। जिम निकलने वाला था, मैंने सोचा भाई को एक बार दिखा देता हूँ और वही हुआ, सही हुआ ना दिखा दिया। फिर देखते हैं भाई इसमें हवा डाल के डलती है या नहीं, क्योंकि शोरूम वालों पे हवा डली नहीं थी। एटीट्यूड सा दिखा दे वो हवा बढ़ते हुए कि तुमने मॉडिफिकेशन करा दी है वगैरह वगैरह। भाई तो आराम से डाल देंगे भाई हवा, और ये चेक करो भाई आराम से भाई हवा भी डाल रहे हैं और हवा देख भी रहे हैं उन पे। तभी मेरे को गुस्सा आ रहा था शोरूम वालों पे, वो ना थोड़ा एटीट्यूड दिखा रहे डालते हुए, बोल रहे थे मॉडिफिकेशन करवा रही है तुमने, पता फर्जी वाड़ा है भाई। तभी मैं बोल रहा था एक सर्विस करा दी है, दो सर्विस और करानी है, उसके बाद छुट्टी में वहां से करवाने का ही नहीं। सो फाइनली यार अभी पहुंचे जिम और अभी इधर आए हैं भाई सनसेट देखने। देखो भाई सामने का सनसेट क्या प्यारा हो रहा है भाई, और अभी यहाँ पे फोटो वोटो क्लिक करेंगे। बाकी यार अभी पहुंचे जिम तो अभी वर्कआउट करेंगे, वर्कआउट में मारेंगे भाई चेस्ट। क्या मार रहा है आज? क्या मार रहा है? तो भाई वर्कआउट हो चुका है स्टार्ट, कितना मारते तू बेंच प्रेस में लास्ट? हाँ 125 है। 125 भाई 125 मारता है, तेरे लिए कमेंट आ रहे कितने 125 मारता है, तो मैं तो कोई टक्कर नहीं दे सकता, ओपन चैलेंजेस है कोई भी आ जाए तेरे ये। तो बाकी वर्कआउट स्टार्ट कर दिया भाई, और वर्कआउट मार रहा है चेस्ट है स्ट्रेंथ में 125 लास्ट है ना तेरा, 125 की नहीं है बात है स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ में मैं कह रहा हूँ ओपन चैलेंज है, मेरी वेट कैटेगरी में कोई भी आ जाएगा 10,000 रुपए जीत के ले जा लियो चेस्ट, तेरा खुला चैलेंज है। वर्कआउट में मार रहा है चेस्ट और तुम्हारे भाई ने बैठ हार गई, क्योंकि भाई नाल की प्रॉब्लम है मेरी। तो देखता हूँ मैं आज ना, मैंने बहुत टाइम मतलब ऑलमोस्ट 1.5 महीने हो गए, 1.5 महीने बाद मारूंगा मैं, मेरा लास्ट था भाई 80 kg लास्ट था। आज देखता हूँ भाई कोशिश में कितना लगेगा, वो तो बैल्ट बांध देगी इस वजह से मारूंगा, बैल्ट ना होते फिर मैं मारता नहीं क्योंकि पेट में प्रॉब्लम करती है, उससे आपका ब्लॉक नंबर आधा दूर रह जाता है। उसको मारते दिखाता हूँ मैं, ये है भाई 70, देखते लगेगा नहीं कितने मारे तूने इस पे? 3 मारे 70 के। तो भाई ये 75 इसे देखता हूँ, अभी 70 मारता हूँ, वो तो उठ गया भाई, 3 रैप मारे इसके देखते हैं। 75 है। सुबह के यार अभी मारा 75, अब 80 का देखूंगा मार के लगेगा नहीं। और भाई इतने दिनों बाद मारा ना, आंख हो गया आगे ना ब्लाइंड ब्लाइंड हो गया था अभी थोड़ी देर के लिए। कोशिश पूरी है भाई, जय श्री राम। वो आज मैंने 1.5 महीने बाद छोड़ के मारा भाई, कसम से भाई खुशी हो गई है, आगे के आगे ब्लैक ब्लैक हो गया, मजा आ गया। ऑलमोस्ट मैंने 1.5 महीने बाद मारा भाई, और 80 kg खींच दिया मैंने पता नहीं कैसे, मेरे को अभी तक यकीन नहीं हो रहा है। बाकी अब निकलते हैं यार घर, तो जैसे यार अभी पहुंचा मैं घर। बाकी आज के व्लॉग में कुछ ऐसा था जो आपने देखा, अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। बाकी दिस ऑल फॉर द व्लॉग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा टेक केयर एंड।